नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है और उधर डेनमार्क में पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम पर हमला कर दिया। ये बड़ी खबर। आरोपी ने पीछे से धक्का मारा और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ईयू चुनाव के लिए प्रचार कर लौट रही थी कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फेडरिकसन पर कोपेनहेगन में एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। चुनाव के बाद उनका भी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था कि न्यूज एजेंसी रितजो की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पीछे से आकर फेडरिकसन को जोर से धक्का मारा, जिससे लड़खड़ा गई और गिर गई। हादसा कोपेनहेगन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यह हमला यूरोपियन यूनियन ईयू चुनाव से ठीक पहले हुआ। ईयू के चुनाव 9 जून को हुए थे। डेनिश पीएम फेडरिकसन और सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक यूरोपियन संघ के प्रमुख उम्मीदवार क्रिस्टल डोमेसोन के साथ प्रचार पर थी। अचानक यहां पर यह हादसा सामने आ रहा है। चुनाव प्रचार के बाद उनके आज शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना थी। इससे पहले ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जय हिंद।